गुणी जन सदा करते यहां संगीत की आराधना, करके यहां सेवा समर्पित पूर्ण होती साधना। है बेसुरों को पवन सिखलाता जहां पर सप्त स्वर, सर्वत्र माणिक है भरा वह धाम है माणिक नगर। माणिक नगर अपनी वैभवशाली संगीत परंपरा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। माणिक नगर में गत 180 वर्षों से शास्त्रीय संगीत के संवर्धन तथा संरक्षण का कार्य निरंतर चल रहा है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि प्रभु संस्थान में संगीत को भला इतना महत्व क्यों दिया जाता है। पुराणों की कथाओं में हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाया करते थे तो उस मुरली की मधुर धुन से आकृष्ट होकर वन के सभी पशु पक्षी परस्पर शत्रुता को भुलाकर मोहवश श्री चरणों के इर्द गिर्द एकजुट हो जाया करते थे। विविध विचारधाराओं के, अलग अलग मत पंथों के तथा भिन्न स्वभाव के लोगों को एकत्रित लाने की जो शक्ति संगीत में है वह अद्भुत है। इसीलिए परस्पर सांप्रदायिक मतभेदों के कारण बटे हुए समाज को एकत्रित कर सद्भावना प्रस्थापित करने के लिए श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज ने जिन साधनों को अपनाया उनमें संगीत एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। प्रभु महाराज स्वयं संगीत शास्त्र के मर्मज्ञ थे, इसलिए उस काल में दूर दूर से कलाकार माणिक नगर आकर प्रभु के समक्ष संगीत सेवा किया करते थे। हर दूसरे दिन प्रभु के दरबार में श्रोताओं की भारी भीड़ के बीच किसी न किसी संगीतकार के गाने बजाने का कार्यक्रम हुआ करता था। प्रभु महाराज उन कलाकारों की कला को सराहते और मुक्त हस्त से उन्हें बिदागी देकर कृपा प्रसाद से अनुग्रहित करते थे। अलग अलग पंथ संप्रदायों के लोग सभी मतभेदों को भुलाकर प्रभु के दरबार में आयोजित इन संगीत की सभाओं में एकत्रित होते और उस संगीत के आनंद से एक रूप हो जाया करते थे। इस प्रकार प्रभु महाराज ने संगीत के माध्यम से लोगों के बीच की दूरियां मिटाई और समाज में समरसता प्रस्थापित की। प्रभु महाराज ने संगीत, साहित्य, कला एवं ललित विद्याओं की अनेक विधाओं को आश्रय प्रदान किया था, जिसके कारण माणिक नगर एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। प्रभु महाराज के काल में उस्ताद टर्रा हुसैन खां नामक एक प्रसिद्ध संगीतकार प्रभु दरबार की ख्याति को सुनकर माणिक नगर पधारे थे। खां साहब को अपनी विद्या पर बड़ा गर्व था और वे समझते थे कि संगीतकारों में उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद जब प्रभु महाराज के समक्ष खां साहब को गाने का अवसर प्राप्त हुआ तो बड़ी ऐंठ और ठसक के साथ मंच पर बैठकर खां साहब ने अपना गायन आरंभ किया। प्रभु महाराज भक्तजनों को प्रसाद देने में और विद्वज्जनों से शास्त्र चर्चा करने में व्यस्त थे। खां साहब पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि प्रभु महाराज का ध्यान वे अपनी ओर आकर्षित करें और वाहवाही पाएं, लेकिन प्रभु महाराज बातचीत में ही व्यस्त रहे। अपनी ऐसी उपेक्षा देखकर खां साहब बहुत विचलित और अस्वस्थ हो गए थे। गाते समय एक स्थान पर वे फिसल गए और उस राग में
जो स्वर नहीं लगना चाहिए था वह स्वर उनसे लग गया। तत्क्षण प्रभु महाराज खां साहब की ओर देखकर बोले, वाह वाह खां साहब, क्या बात है। प्रभु की वाहवाही से खां साहब का अहंकार एक क्षण में उध्वस्त हो चुका था। खां साहब मंच से उतरे और उन्होंने अपनी धृष्टता के लिए प्रभु चरणों में क्षमा याचना की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस्ताद टर्रा हुसैन खां आजीवन माणिकनगर में ही रहे। इस स्थान की यह विशेषता है कि विनम्र होकर जो सेवा भाव से प्रभु की शरण में आते हैं वे असीम कृपा को पाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो प्रभु दरबार में दंभ, अभिमान और अहंकार को लेकर आते हैं वे निश्चित ही यहां से विफल होकर लौटते हैं। प्रभु चरित्र में वर्णित है कि कभी कभी एकांत में जब तानपुरा लेकर स्वयं प्रभु महाराज गायन में मग्न होते थे तब सारा वातावरण अलौकिक आनंद से भर जाता था। आज भी प्रभु महाराज का वह तानपुरा श्री संस्थान में संरक्षित है, जिसकी अद्भुत ध्वनि को सुनने के लिए संगीत प्रेमी तरसते हैं। श्री सद्गुरु मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के काल में माणिकनगर संगीत के एक अत्यंत पवित्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाराज श्री को पखवाज वादन की कला में नैपुण्य प्राप्त था। उस समय पंडित भास्कर बुआ बखले, पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद रहमत खां, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर तथा पंडित विनायक राव पटवर्धन माणिक नगर में रहकर साधना किया करते थे। और कहा जाता है कि बहुत से सांप्रदायिक भजनों को इन्हीं गुणीजनों ने संगीतबद्ध किया है। महाराज श्री के संगीत प्रेम से प्रभावित होकर उस काल की अनेक प्रतिष्ठित सांगीतिक संस्थाओं ने महाराज श्री को सम्मानित किया था। श्री सद्गुरु सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज के कार्यकाल में माणिक नगर की संगीत परंपरा की ख्याति देश भर में फैल गई थी। महाराज श्री का संगीत शास्त्र पर असाधारण प्रभुत्व था। महाराज श्री जब अत्यंत तल्लीन होकर प्रभु के भजन गाया करते थे तब बड़े बड़े संगीतकार भी सुनकर विस्मित हो जाया करते थे। सिद्धराज महाराज के काल में माणिक नगर में अनेक भव्य दिव्य संगीत समारंभ आयोजित हुए, जिनमें भारत के अनेक दिग्गज कलाकारों ने प्रभु महाराज की संजीवनी महासमाधि के समक्ष अपनी सेवा समर्पित की। महाराज श्री के संगीत प्रेम के कारण उस काल के अनेक विद्वान कलाकार माणिक नगर की ओर आकर्षित हुए। पंडित जगन्नाथ बुआ पंढरपुरकर, पंडित केंडे बुआ, हैदराबाद के पंडित भीमशंकर राव, ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित यशवंत बुआ जोशी, पंडित राम मराठे, विदुषी कमलाबाई धनाश्री, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद शेख दाऊद, सुप्रसिद्ध हारमोनियम वादक पंडित नन्हे बुआ कुंवर,
पंडित बाबू सिंह, पंडित कागलकर बुआ और कासिम साहब गवई जैसे अनेक कलाकारों ने माणिक नगर में रहकर अत्यंत निष्ठा के साथ प्रभु दरबार में संगीत सेवा समर्पित की। संस्थान का कोई भी समारंभ या कार्यक्रम गायन वादन के बिना परिपूर्ण नहीं होता। प्रतिवार्षिक श्री दत्त जयंती महोत्सव के अवसर पर माणिक नगर में संगीत सभा का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है। यह परंपरा यहाँ पिछले 180 वर्षों से चली आ रही है। 5 दिनों के इस महोत्सव का समापन प्रभु दरबार के साथ होता है। इस दरबार में महाराज श्री प्रभु के महिमा मंडित सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तजनों को प्रभु प्रसाद से अनुग्रहित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज तक इस दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटा। प्रभु महाराज सबकी झोलियों को सुख समृद्धि और कृपाशीर्वाद से भरकर सबका समाधान करते हैं। देख बेख मन लचा, देख बेख मन लल चाए, पिया के दरद मार नरद दिया ना माल मोरा, देख बे मन लल चाए, देख बे मन लल चाए, मन लल चाए मोरा। प्रभु जन्मोत्सव के अवसर पर होने वाला यह दरबार अत्यंत विख्यात है और संगीतकारों के लिए इसका विशेष महत्व है। संगीत की दुनिया में यह मान्यता चली आ रही है कि जब तक कोई संगीतकार प्रभु के दरबार में हाजिरी नहीं लगाता तब तक उसकी साधना परिपूर्ण नहीं होती। प्रभु जन्मोत्सव की इस संगीत सभा में केवल 5 मिनट की हाजिरी लगाने के लिए भी बड़े बड़े मूर्धन्य संगीतकार अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। चरण कमल की धुन बना मैं, चरण कमल की धुन बना मैं, मोक्ष द्वार तक धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर जनों की ऐसी मान्यता है कि इस दरबार में मंच पर केवल वही बैठ पाते हैं जिन्हें प्रभु महाराज की कृपा प्राप्त हो। यहां सेवा कर रहे प्रत्येक कलाकार की यह भावना होती है कि साक्षात प्रभु महाराज बैठकर उन्हें सुन रहे हैं।
और इसीलिए वह गायन केवल एक प्रस्तुति न होकर प्रभु की आराधना का रूप ले लेता है। यही कारण है कि जो कलाकार यहाँ आकर सेवा समर्पित करते हैं उन्हें अद्वितीय समाधान प्राप्त होता है। यह संगीत सभा मध्यरात्रि की वेला में आरंभ होकर सुबह 7 बजे श्री गुरु माझा दत्त दया घन रे प्रभु महाराज द्वारा रचित इस भैरवी के साथ संपन्न होती है। यही वह दिव्य मंच है जहां से प्रभु महाराज के काल से अब तक अनेक प्रख्यात कलाकारों ने सेवा समर्पित कर धन्यता की अनुभूति पाई है। पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, विदुषी एन राजम, उस्ताद राशिद खां, पंडित प्रवीण गोड़खिंडी, भजन सम्राट अनूप जलोटा, पंडित अजय चक्रवर्ती, पंडित राजन साजन मिश्रा, पंडित शिवकुमार शर्मा, पंडित वेंकटेश कुमार, विदुषी वीणा सहस्रबुद्धे, विदुषी मालिनी राजूरकर, विदुषी संगीता कट्टी, विदुषी कौशिकी चक्रवर्ती और भारत रत्न लता मंगेशकर जैसे अनेक सुप्रसिद्ध कलाकारों ने विविध अवसरों पर प्रभु दरबार में हाजिरी लगाई है। यहां सबका उल्लेख करना अथवा चित्र प्रदर्शित करना असंभव है, परंतु इन चित्रों में आप जिन जिन की तस्वीरें देख रहे हैं वे सब माणिक नगर पधार कर प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं। आज ऐसे कई बड़े कलाकार हैं जो अपने बचपन में यहां आकर प्रभु महाराज के सामने सेवा प्रस्तुत कर चुके हैं। यह मंच सभी के लिए समान रहा है। किसी प्रतिष्ठित कलाकार को यहां जितना सम्मान दिया जाता है उतना ही सम्मान विद्यार्थियों को भी मिलता है। बाल कलाकारों से लेकर उदीयमान कलाकारों तक सभी को प्रोत्साहित करने की यहाँ की पुरानी परंपरा रही है। वर्तमान में अनेक गुणी कलाकार श्री संस्थान के संगीत विभाग से जुड़कर अत्यंत तत्परता से श्री प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि पिछले अनेक वर्षों में अनेक विद्वान कलाकारों ने जो तान और आलाप प्रभु चरणों में समर्पित किए हैं उन स्वरों को श्री चरणों के दिव्य स्पर्श से अमरत्व की प्राप्ति हुई है। उन स्वरों की रसमाधुरी सदा के लिए इस क्षेत्र के वातावरण में प्रवाहित है और वही मधुरिमा यहां आने वाले सभी उदीयमान संगीतकारों को अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी।
हम उन सभी संगीतकारों का अभिनंदन करते हैं जो प्रभु महाराज के काल से आज तक माणिक नगर पधारे और यहाँ की संगीत परंपरा को परिपुष्ट करते हुए इस क्षेत्र की आध्यात्मिक तरंगों को अपने सुमधुर स्वरों का श्रृंगार समर्पित किया।